Hello students, a very good evening to all of you. So you know about me, I am your science educator Malika Sethi, जो कि हमारा chapter चल रहा है class 10th की biology life process. Hope सबको समझ आ रहा होगा, सब अच्छे से कर रहे होंगे. तो आप मुझे देख रही हैं YouTube के class apart Unacademy का जो कि channel है. But हमारा जो एक्सक्रिएशन करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको जो न्यू लर्नर्स हैं जिनको नहीं पता कि व्हाट इज अनअकैडमी, तो मैं आपको बता दूं अनअकैडमी लर्नर ऐप. आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं, सर्च करें अनअकैडमी लर्नर ऐप, डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन करें, देन आपको दिखेगा वहां पे टू टाइप के कोर्सेज हैं, एक तो स्पेशल कोर्सेज, एक प्लस कोर्सेज है. स्पेशल कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा. बट जो प्लस कोर्सेज है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें आप लाइक पर्सनल ट्यूटर की तरह आपका जो भी फेवरेट टीचर होगा, जिसके आपको बहुत अच्छे से समझ आती है, आप उनसे पढ़ सकते हैं. और भी आपको प्लस जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उसका बहुत फायदा है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें मॉक टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे. तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं सिर्फ अपने घर बैठे बैठे. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ऐप डाउनलोड करनी है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है. और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक और फायदा होने वाला है, जब आप पे करेंगे तो आपको रेफरल कोड यूज करना है. मेरा रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं MASC, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उससे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा. लाइक देखो आपके पास ये इतने सारे सब्सक्रिप्शन है, आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जितने का मर्जी ले. 48 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. बट आपको स्टडी के साथ साथ एक फायदा और होने वाला है, आपको 7500 पे कर रहे हैं, बट अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 7500 पे नहीं करने हैं, आपको ओनली पे करना है 6750 रुपीज. ठीक है, बहुत फायदा ही है आपको. और इससे आपको ये फायदा, आप अपने घर पे जहां मर्जी बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको सोफा पे बैठना है वहां पढ़ सकते हैं, अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको बारिश है, धूप है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे बैठो और स्टडी करो. और आप कोई भी अपना कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, टॉप से टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे अनअकैडमी पे. तो आपको फायदे ही फायदे हैं. एक और फायदा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वो है डाउट्स. आपको कोई डाउट है ना, आप कई बार स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से पूछ ही नहीं पाता कि मुझे ये डाउट है, कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हैं. कैसे पूछ सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हमें क्या करना है, इस टाइप से आपको, ये देखो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आपको पिक्चर क्लिक करनी है, जो भी आपका डाउट है आपने आज के डाउट पे जाके अपना जो डाउट है वो अपलोड कर देना है, विद योर सब्जेक्ट, विद योर प्रॉब्लम की आपकी इस डाउट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है. आपको उसका जो आंसर मिलेगा वीडियो की फॉर्म में मिलेगा, टॉप से टॉप एजुकेटर्स आपको इजी से इजी वे में जो है आपको उसका आंसर मिलेगा. तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है. तो अनअकैडमी लर्नर ऐप अगर आपके फोन में नहीं है तो सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर ले. एंड सेकेंड, अगर आपने ये वाला YouTube का मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें. लाइक करने का फायदा ये होगा कि हमें मोटिवेशनल मिलता है, शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड से भी नॉलेज शेयर होगी, और सब्सक्रिप्शन का ये फायदा है, सब्सक्राइब का फायदा है कि लाइक अगर मेरी वीडियो डेली 5 PM पे अपलोड होती है तो आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक एक्सक्रिएशन. लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं एक्सक्रिएशन. अब देखो हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने किया था न्यूट्रिशन, फिर हमने किया था रेस्पिरेशन, देन हमने किया था ट्रांसपोर्टेशन. मैंने बोला कि लाइफ प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए नीड है, नीडफुल, ऐसे कौन कौन से हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे अलाइव रहने के लिए कंपल्सरी हैं. तो न्यूट्रिशन, सबसे पहले हमारा खाना जरूरी है. सेकेंड, खाने को यूटिलाइज करना कि वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी कैसे मिल रही है, वो हमने रेस्पिरेशन में किया. थर्ड करना किया हमने ट्रांसपोर्टेशन. अब जो चीज, अगर मान लो कोई चीज पड़ी है,
बन गई, बट अगर वो हम किसी को देंगे नहीं, सपोज मुझे खाना खाना है मेरी प्लेट में पड़ा है, बट मैं बाइट लेके अगर खाऊंगी ही नहीं, मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं है। लाइक दिस, अगर हमारी बॉडी के अंदर हमने खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, एनर्जी बन गई, वो एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है वो भी हमने कर लिया। अब देखो क्या करना है, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मीन्स अगर सब प्रोसेसेस हो रही है, अगर एक्सक्रिएशन नहीं हो रहा है, वेस्टेज बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाएंगे, इवन डेथ भी हो सकती है। तो एक्सक्रिएशन बहुत जरूरी है। आज हम करने वाले एक्सक्रिएशन की प्लांट्स में एक्सक्रिएशन कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, बस आपको एक बार कंसल्टेशन से करना है, देन आवर लाइफ प्रोसेस चैप्टर इज फिनिश, फिर हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। बहुत इजी है, मैं आपको एक बार सारा दोबारा से रिपीट भी करा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्रिएशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट्स रिड ऑफ गैसेस, वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हमने ये करा है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस रिलीज होती हैं। कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती है, जो हम लोग हैं वो क्या करती हैं, CO2 रिलीज करती हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होती है, O2 भी होती है और प्लस में CO2 भी होती है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजिनस मटेरियल्स व्हिच नीड टू बी रिमूव्ड। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। देखो हमने ये किया था कि डाइजेशन के टाइम पे जो हमारी बॉडी का जो भी हम खाना खाते हैं वो पूरा का पूरा डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बट जो चीज हमारी, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अगर आपको अपने माइंड में थोड़ा सा भी डाइजेशन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स याद है, तो हमने बोला था कि टोटली जितना भी होता है ब्रेकडाउन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता वो कहां पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जो हमारे बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो कौन सी फॉर्म के अंदर होते हैं, नाइट्रोजीनियस मटेरियल होते हैं, उसका हमारे बॉडी से वेस्टेज का रिमूव होना क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। देखो एक्सक्रिएशन इन प्लांट सबसे पहले हम करेंगे। प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता जहां से वो एक्सक्रिएट कर सके। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन। ये कहां से होते हैं, जब हम बोलते हैं कि एक्सक्रिएशन इन प्लांट हो रहा है, हो कैसे रहे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने सबने की है, CO2 इसके अंदर नहीं होता, फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, CO2 प्लस वाटर प्लस में क्लोरोफिल प्लस में सनलाइट, ये सब प्रोसेसेस होती है। तो क्या बनता है, C6H12O6 बनता है, प्लस में वाटर बनता है, प्लस में O2 बनता है, प्लस में एनर्जी होती है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी। अब इसके अंदर जो वेस्टेज हो रही है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और क्या है, वाटर है। बट CO2 कब बनती है प्लांट के अंदर, हमने गैसेस ऑफ एक्सचेंज किया था कि जो डे के टाइम है तब तो प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, O2 रिलीज करते हैं, बट नाइट के टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो जो प्लांट्स के वेस्टेज हैं, जो प्लांट्स वेस्टेज रिमूव करता है अपनी बॉडी से, कौन कौन सा करता है, CO2 करता है, वाटर वेपर्स करता है, ऑक्सीजन करता है। करते कहां से है, अब उनका कोई ऑर्गन तो है नहीं, स्पेशल बॉडी पार्ट तो है नहीं कि हाँ यहां से इनका वेस्टेज रिमूव होगा, तो प्लांट्स जो है वो कैसे रिलीज करते हैं, आपने जो किया है कि वो फोटोसिंथेसिस कहां से करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। स्टोमेटा द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, If you remember, हमने xylem vessel किया था। Xylems जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, xylem vessels होते हैं और tracheards होती हैं। ऐसा कुछ किया था हमने, तो ये सब जो पार्ट किए थे, lenticels जो होता है, lenticels जो है वो प्लांट की ब्रांच पे होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो gaseous waste through stomata and lenticels हमने ये रेस्पिरेशन में किया था, कि जो रेस्पिरेशन में किया था हमने कहा था कि जो प्लांट्स हैं वो लीव्स तो है वो स्टोमेटा से रेस्पिरेट करते हैं, जो ब्रांचेस हैं वो लेंटिसेल से करते हैं, और जो रूट्स हैं वो रूट हेयर से करते हैं। तो जहां से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं ना, तो अपना वेस्टेज भी वहीं से रिमूव करते हैं।
स्टोर्ड सॉलिड, अब ये तो गैसेस का हो गया कि स्टोमेटा से कर दिया या फिर लेंटिसेल से कर दिया. अब अगर इनका कोई सॉलिड की फॉर्म में जो वेस्टेज है वो कैसे करेंगे, स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग लीव्स. शेडिंग लीव्स जो आपने देखा होगा कि कई बार जो ग्रीन्स होती हैं लीव्स, ग्रीन्स की जगह पे येलो हो जाते हैं, तो मीन्स वो उनका वेस्टेज है. और प्लांट्स के जो भी बाग होती है, पीलिंग ऑफ बाग, उसकी जो बाग है वो पील ऑफ हो जाती है, उतर जाती है, तो वो भी एक टाइप का उनका वेस्ट रिमूव हो रहा है. फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जो है ना जो हम लोग खाते हैं, जो हम बोलते हैं बहुत हेल्दी है, वो होते भी हैं ऑब्वियसली हेल्दी, बट वो प्लांट्स का एक टाइप का सॉलिड वेस्टेज है. देखो अगर कच्चे हैं फ्रूट्स तो वो अपने आप नहीं टूटते, हम उन्हें तोड़ते हैं, बट जो वो बिल्कुल पक जाते हैं, येलो हो जाता है, बिल्कुल पक्के पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, तो वो अपने आप फॉल आउट हो जाते हैं, फॉलिंग हो जाते हैं उनके अंदर. क्यों हो जाता है, क्योंकि वो प्लांट के लिए वेस्टेज है और उनकी बॉडी से वेस्टेज क्या हो गया, रिमूव हो गया. तो फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स ये सब क्या है, सॉलिड का रिमूवर है. बाय सीक्रेटिंग वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिंस, कभी आपने नोटिस किया होगा किसी प्लांट के ऊपर, तो जैसे गूंद भी बोलते हैं उसकी, पहले जब हम लोग छोटे होते थे तो उसको लेके उसके अंदर पानी डाल के उसको धूप में रख देते थे, तो वो गूंद बन जाती थी. आजकल तो बच्चों ने देखा भी नहीं होगा, बनाना दूर की बात है, तो वो भी जस्ट टाइम पास था. उस अगर आप कोई प्लांट की बार पे देखोगे ना, तो आपको ऐसे गूंद टाइप ब्लैक ब्लैक ऐसे क्या हो रहा है, जैसे पानी गिर रहा होता है, इस टाइप से होता है, तो वो गम होती है या रेजिंस होती है, वो प्लांट के वेस्टेज होते हैं. एक्सक्रिएट वेस्ट इन टू द सॉयल अराउंड देम, जैसे रूट हेयर से वो ऑक्सीजन को लेता है, जो भी गैसेस का एक्सचेंज करती है रूट हेयर से, लाइक दिस जो सॉयल के अराउंड होते हैं उसके अंदर क्या कर देते हैं, एक्सक्रिएट कर देते हैं. एक्सक्रिएटिंग का कोई नाइट्रोजीनियस नहीं होता है, ये चीज याद रखना कि प्लांट्स का एक्सक्रिएटिंग जो भी वो एक्सक्रिएट करते हैं वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, CO2 होती है, वाटर वेपर्स होती है, एंड ऑक्सीजन होती है. मतलब प्लांट्स का जो है वो ऑक्सीजन वेस्टेज है और हमारी जो है वो नीड है. ये था एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स. देन हम करते हैं एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स. वैसे तो हम लोगों को पता ही है कि एक्सक्रिएशन जो है वो एनिमल्स में किसके थ्रू होता है, अगर काओ की बात कर ले, काओ, बफेलो, गोट, तो उनका एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट होता है, एनस होता है, जिसके थ्रू प्लांट्स एनिमल्स क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं. बट अगर हम सिंगल सेलुलर की बात करते हैं, अगर हम सिंगल सेल की बात करते हैं, लाइक अमीबा की बात करें या अर्थवर्म की बात करें, फिश की बात करें, तो उनमें क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है. हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा इज एन एमोनोटेक्लिक क्या होता है, टेलिक क्या होता है, सॉरी एमोनोटेलिक, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो सब्सटेंस होता है जो कि अमोनिया या फिर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस बॉडी से रिमूव आउट करते हैं, उनको बोलते हैं. बिकॉज आपको बता भी दिया किस लिए बोला इनको, बिकॉज इट एक्सक्रिएट नाइट्रोजीनियस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. इट हैज नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि ये एक सिंगल सेल्ड होते हैं, हमने अमीबा की स्ट्रक्चर की है कि इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और हमने इसका जब ये बोला था कि हम इसका न्यूट्रिशन कर रहे थे, तो इनका कोई भी ऐसा माउथ नहीं होता, बट जब इनके पास फूड आता है तो सूडोपोडिया, इनकी जो है वो माउथ टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, और फूड कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल में जाता है. तो लाइक दिस इनका कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है. डील वेस्ट मटेरियल आर एक्सक्रेटेड आउट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द जर्नर बॉडी सर्फेस. लाइक अब हमने बोला कि यहां से इसने फूड लिया है, जब इसकी बॉडी के अंदर पूरा डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो कहीं से भी अपनी बॉडी से मोनोजेनियस सब्सटेंस रिलीज कर देगा, यहां से इसने रिलीज कर दिया. ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, प्रोसेस आपको लर्न करनी है कि किसके थ्रू होता है. डिफ्यूजन के थ्रू होता है, फ्रॉम द जर्नल बॉडी सर्फेस इज सराउंडेड वाटर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. ये देखो अभी इसका नेम बता दिया, जैसे फूड वैक्यूल होता है ना, वैसे ये इसका नेम है. आपको लर्न करना है कर लो, नहीं करना आपको सिर्फ एक माइंड में याद रखना, क्योंकि ऑप्शंस होंगे तो आप ऑप्शंस देख के बता सकते हो. आल्सो प्ले सम रोल इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये हेल्प करता है कि अमीबा की बॉडी से कैसे वेस्ट को रिमूव कर सके. नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्थवर्म. अर्थवर्म हमने क्या किया था, अर्थवर्म का हमने किया था कि ये रेस्पिरेट कैसे करता है. इसकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्ट स्किन होती है. ठीक है, मॉइस्ट स्किन की वजह से ये अपना रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है, स्किन के थ्रू करता है. तो ये वेस्टेज कैसे, इनका भी जो वेस्टेज होता है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन.
which generally contain urea, water, tracks of ammonia and carotenoids. इसके अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेफ्रिडिया जो होता है इसके अंदर इसकी स्किन, वैसे ये स्किन से ही करता है एक्सक्रीट, बट नेफ्रिडिया इनकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है जहां से ये अपनी बॉडी से क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस करता है, और कुछ ऐसा सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, यूरिया फॉर्म में होता है। ठीक है, इतना वैसे आपका थोड़ा सा मैंने आपको हाई लेवल इसलिए बता दिया कि चलो आपको नॉलेज हो जाएगी, अदरवाइज आपके पास अगर आता है कि अर्थवर्म स्किन से ही सांस लेता है, स्किन से ही क्या करता है, रिमूव करता है, बट नेफ्रिडिया एक्सक्रीट दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, ये एक बॉडी का उसका पार्ट है जो कि बता रखे कि यहां से एक्सक्रीट करता है। अब हम करने वाले हैं जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट? ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। फर्स्ट डेफिनेशन आ गई, हमने भी कर लिया कि बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करने को एक्सक्रीशन बोलते हैं। मैनी वेस्टेज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरियस मेटाबोलिक एक्टिविटीज। ये जो वेस्टेज है वो बनता कैसे है, बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबोलिक एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू बनता है। दीज नीड टू बी रिमूव्ड इन टाइम बिकॉज देयर एक्युमुलेशन इन द बॉडी कैन बी हार्मफुल एंड इवन लीथल फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ये टाइम से बॉडी पे रिमूव करना, बॉडी से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर नहीं करते तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन डेथ हो सकती है, बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये हमारा था सिंपल सा कि एक्सक्रीशन क्या है और क्यों रिमूव करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन का जो पार्ट है, एक्सक्रीशन का ऑर्गेनिजम्स में होता है, वो किसके थ्रू होता है? किडनी के थ्रू होता है। किडनी तो आपने सुना होगा कि किडनी क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे बैक में प्रेजेंट होती है। जो ये हमारा हमारा जो है ये पूरा का पूरा बैक है, बैक के यहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन के पास प्रेजेंट होती है। होता क्या क्या है इसके अंदर, देखो आपको सबसे पहले तो इसके नेम लर्न करने पड़ेंगे। किडनी के अंदर आपको सिर्फ यही करना है, आपको ना नेम ही लर्न करने हैं। अगर आपको नेम लर्न हो गए तो प्रोसेसिंग इसकी बहुत ज्यादा ईजी है। देखो किडनी जो है वो किस किस से मिलके बनी होती है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, किससे मिलके बना है? देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो हमारे पास ये है, टू किडनीज होती हैं, किडनियां दो होती हैं, दोनों में से अगर एक भी प्रॉपर वर्क कर रही है तो प्रॉपर बॉडी वर्क करेगी। तो क्या है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, और कौन सी किडनी होगी? लेफ्ट किडनी होगी। हमने कल हार्ट में भी किया था कि इसमें राइट लेफ्ट होता है, राइट जो है वो लेफ्ट होगा, लेफ्ट जो है वो राइट होगा। टू किडनीज है मेनली जो इसके अंदर प्योरिफिकेशन हो रहा है, यूरिन बन रहा है, वो किडनीज में बनेगा। बट ये कनेक्टेड किस किस के साथ है? देखो ये पूरी बॉडी के जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड कर रहा है, वो उनकी ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है। किस किस के साथ कनेक्टेड है? एक तो है रीनल वेन और एक है रीनल आर्टरी। ठीक है, वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स जो है ना वो ऑलवेज क्या है, डर्टी ब्लड ले रही है। मतलब बॉडी से क्या आ रहा है, डर्टी ब्लड आ रहा है रीनल वेन से। कहां जा रहा है? किडनी के अंदर जा रहा है, इस वाली किडनी के अंदर जा रहा है। दोनों किडनीज के अंदर, हम अभी किडनी की स्ट्रक्चर करेंगे कि किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे कि ब्लड प्योरीफाई होता है। तो दोनों किडनीज में वेन के थ्रू जाएगा, वेन से किडनी में क्लीन होके, यहां भी किडनी में क्लीन होके ब्लड, जो हमारा क्लीन ब्लड है वो तो वापिस आर्टरी से कहां चला जाएगा, हमारे बॉडी में चला जाएगा। बट जो ये किडनी के अंदर, जैसे हमारे पास कोई भी वो है, हमारे पास एक बर्तन है, जग ले लो, ग्लास ले लो, यहाँ पे मैंने क्या करा, सीव्स लगा दी, छानिए लगा दी। मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास जो पानी है वो मिट्टी वाला पानी है या डर्टी वाटर है। मैंने यहाँ से क्या करा, पानी डाल दिया, वाटर प्लस में क्या है उसके अंदर, सैंड है। ठीक है, ऐसी कि जो इस छाननी के अंदर क्या हो जाए, छन जाए, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लीन वाटर आ जाएगा। ठीक है, क्लीन वाटर आ गया। अब ये जो है ना, लाइक अगर ब्लड की बात करें तो वेन से क्या आ रहा है, डर्टी ब्लड आ रहा है। किडनी है, किडनी के अंदर सीव टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, छानियां हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो क्या होता है, क्लीन हो रहा है। सेकेंड पार्ट से जो हम बात करते हैं कि रीनल आर्टरी है, वहां से क्लीन ब्लड वापिस कहां पे जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है।
अब जो यहाँ पे देखो ये वाला, अब मैंने ब्लड को क्लीन किया या मैंने वाटर को क्लीन किया, तो जो ये मेरे पास छाननी है, जो मेरे पास ये सीव्स है, ये तो गंदी होगी ना। अगर हम किसी चीज को क्लीन कर रहे हैं, छान रहे हैं, तो ये तो गंदी हो जाएगी, इसमें मिट्टी आ जाएगी, सैंड आ जाएगी, अगर कंकड़ है, मिट्टी है, जो भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे, जो कि इसके अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, जो वो सीव्स के होल में से क्रॉस नहीं कर पाए। तो अब इस वेस्टेज को उठा के मैं क्या करूंगी, फेंक दूंगी, फेंकना पड़ेगा ना मुझे। तो वैसा ही इसमें है, यहां से ब्लड आया, यहाँ पे ब्लड आया जो कि डर्टी ब्लड था, ब्लड क्लीन होके वापस चला गया, बट जो भी इसके अंदर अनडाइजेस्टेड, जो भी हमारे पास अनफिल्टरेबल सब्सटेंसेस थे, जो कि फिल्टर नहीं हुए, जो कि क्लीन नहीं हुए, वो यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पे हमारे पास कहाँ चले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, यूट्रस के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे चाहे वो वाटर की फॉर्म में होगा, चाहे वो मतलब लिक्विड की फॉर्म में होगा, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में होगा, और यहाँ पे जब ये यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है, तो हमें फील होता है, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को फील होता है कि उसे बॉडी से रिमूव आउट करना चाहिए, तो हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, रिमूव आउट हो जाते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू हो जाते हैं। तो ये सारा किडनी का फंक्शन है, बहुत सिंपल है, बस आपको इतना लर्न करना है। जो किडनी की शेप होती है ना, आपने राजमा देखा होगा, राजमा घर पे बनते हैं, जिसे कि बीन्स बोलते हैं, किडनी भी सॉरी किडनी बीन्स ही बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो किडनी की तरह होती है, और किडनी बीन्स की शेप किडनी की तरह ऐसी होती है, क्योंकि किडनी बीन्स हमारी किडनी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो किडनी का क्या काम है, देखो पूरा का पूरा एक्सक्रीशन आपको इसमें ही समझ आ जाएगा, बाकी डीपली हम बाद में करेंगे। सबसे पहला ये है कि जो हमारे पास जो भी है, ये देखो ये रेड ब्लड दिखा रखा है और ये हमारे को ब्लू दिखा रखा है, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से क्या आ रहा है, डर्टी ब्लड आ रहा है, वो यहाँ पे चला गया और यहाँ किडनी में चला गया, क्लीन हो गया सारा का सारा। इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, पेल्विस प्रेजेंट होता है, वेना कैवा है, इन्फीरियर है, मेड्यूला है, कॉर्टेक्स है, ये सारे के सारे पार्ट है, रीनल वेन है, रीनल आर्टरी, आपको मेन मेन पार्ट करने हैं, जो कि अभी हमने पहले पीछे वाले डायग्राम में किया। यहाँ से जो है अनफिल्टरेबल पार्टिकल्स यहाँ से कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से हमारी बॉडी से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। आप देखो जो हमें करना है इंपॉर्टेंट पार्ट, किडनी के अंदर ऐसा क्या है, किडनी में ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिससे कि ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो रहा है। ऐसे सिंपल किडनी थोड़ी ना, अभी ऐसे थोड़ी ना कि ये कोई बोन्स की बनी ऐसी शेप है, अंदर जाएगा साफ हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तो कोई भी बना लेगा किडनी। किडनी का वर्क देखो, किडनी की जो स्ट्रक्चर है, अभी हम वो देखते हैं कि वो कैसे है। किडनी की स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी है, ये देखो द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब ये बोला हमने कि किडनी के अंदर डर्टी ब्लड जा रहा है और क्लीन ब्लड वापस आ रहा है। अब ये देखो ये हमारे पास रीनल आर्टरी, यहां से क्या जा रहा है, डर्टी ब्लड जा रहा है, ये जो डार्क डार्क दिखा रखा है, ये डर्टी ब्लड कहां गया, हमारे किडनी के अंदर गया। यहां से किडनी के अंदर ये स्ट्रक्चर है सारी, क्या स्ट्रक्चर है, जो किडनी है वो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ग्लैमरस की मिलके बनी है और एक नेफ्रॉन की मिलके बनी है, ठीक है। अब ये कहां पे चला गया, जो हमारा ये ब्लड है, जो डर्टी ब्लड है, वो यहां से कहां पे चला गया, हमारे पास एक कप टाइप स्ट्रक्चर है, कप टाइप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर चला गया। ये देखो ये वाली चीज दिखा रखी है, अब ये ब्लड जो है वो इसमें गया, किडनी के अंदर हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर हमारा ब्लड जो है वो चला गया, उसके बाद ब्लड गया है नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है, नेफ्रॉन के अंदर बोमेन कैप्सूल है और ट्यूबल्स हैं। बोमेन कैप्सूल, ये देखो ये एक टाइप का ऐसे कैप्सूल टाइप ये है, बोमेन कैप्सूल के अंदर छोटे 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 ऐसे पार्ट्स हैं, छाननियां हैं, आप मान लो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटी छोटी छाननियां हैं, जहां से हमारा ब्लड जो है पूरा का पूरा नेफ्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। अब देखो ये यहाँ से ये जो ब्लड है ना, वो यहाँ से कहाँ पे गया है, यहाँ गया, यहाँ से ब्लड पूरा का पूरा क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। क्लीन होने के बाद वापिस ब्लड कहाँ चला जाएगा, यहाँ से हमारी बॉडी के अंदर वापिस चला जाएगा। और जो ऐसे दो ट्यूब्स बनी हुई है नेफ्रॉन के अंदर, जैसे ये नेफ्रॉन है ना कप है, एक ट्यूब तो ऐसे बनी हुई है यहाँ पे और एक ट्यूब बनी हुई है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारा पहले तो ब्लड आया यहाँ से, डर्टी ब्लड यहाँ से आया, क्लीन होके कहाँ से चला गया, यहाँ से क्लीन होके बॉडी के अंदर चला गया, और जो भी अन
जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस थे वो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, यूरेथ्रा के अंदर चले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चले जाएंगे। तो मेन आपको जो लर्न करना है वो यही करना है कि नेफ्रोन है, नेफ्रोन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, बोमेन कैप्सूल है और ट्यूबल्स हैं, और इसके अंदर ही पूरा का पूरा क्लीनिंग हो रही है। जो सीव्स का काम कर रही है, छाननी का काम कर रही है, वो कौन है, नेफ्रोन है। बस हो गया, यही किडनी है। अब देखो अगर हम इसकी क्योर्टिकल पोर्शन से करते हैं तब देखते हैं कि कैसे है। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पेयर ऑफ किडनी से मिलकर बना होता है। देखो वन किडनी ये रही, वन किडनी ये रही। ए ट्यूब कॉल्ड यूरेट्रा कम्स आउट ऑफ ईच किडनी, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, एंड गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। कहां पे जा रही है, दो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कहां जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रही है। यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यहां पे यूरिन कलेक्ट होता है थ्रू यूरेट्रा फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यहां से क्लीनिंग होके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, जब रिक्वायर्ड होती है बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम था। देन देखो किडनीज क्या है, व्हाट इज किडनी। किडनी इज ए बीन शेप ऑर्गन विच लाइज नियर द वर्टिबल कॉलम इन द एब्डोमेन कैविटी, पीछे प्रेजेंट होती है हमारे कमर में एब्डोमेन कैविटी के पास। द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट्स, मैंने भी बोला कि वो सीव्स का काम करती है, वो फिल्टर का काम करती है, जिनको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। किडनी का जो मेन पार्ट है वो नेफ्रॉन ही है जो कि वर्क कर रहा है। नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन के बिना किडनी फेल है। अगर ये किडनी फेल होगी, किडनी काम नहीं कर रही, तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन काम नहीं करता है तभी किडनी काम नहीं करती। किडनी क्योंकि ब्लड वेसल्स तो डॉक्टर्स आजकल चेंज कर देती हैं, अगर यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी चेंज हो जाती हैं, एडवांस हो चुकी है इतनी टेक्नोलॉजी। बट अगर किडनी के अंदर प्रॉब्लम होगी है तो किडनी ओनली ट्रांसपेरेंट ही होगी, क्योंकि किडनी का अगर नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा तो छोटे 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 फिल्टर्स नहीं बना सकते आर्टिफिशियल। ठीक है, अब देखो किडनी की किस हमने पढ़ ली, किडनी की स्ट्रक्चर। किडनी के अंदर नेफ्रॉन क्या क्या काम करता है, नेफ्रॉन किस किस से मिलके बना है। इट इज कंपोज ऑफ ए टैंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब एंड ए फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, अभी किया है हमने। द ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस है क्या, मैंने भी बोला कि ऐसे कप टाइप स्ट्रक्चर, इसमें इतनी इतनी सारी ऐसे ऐसे क्या है, ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड कैपिलरीज टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच, जिसके साथ रीनल आर्टरी अटैच है, मीन्स वहां पे जो है ग्लोमेरुलस के अंदर डर्टी ब्लड आ रहा है। द आर्टरी विच टेक्स ब्लड इन द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टरियोल्स एंड द अवर रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टरियोल। ये नेम्स है, याद रखने हैं, रखो, इतना हाई लेवल का नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते आज भी, बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रीनल आर्टरी से डर्टी ब्लड आ रहा है, कहां पे आ रहा है, जो नेफ्रॉन का पार्ट है ग्लोमेरुलस उसके पास आ रहा है। देन क्या हो रहा है, बोमेन कैप्सूल, जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है वो बोमेन कैप्सूल के साथ कनेक्टेड है। द बोमेन कैप्सूल, अब ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि व्हाट इज बोमेन कैप्सूल। द बोमेन कैप्सूल एक्सटेंड्स इनटू ए फाइन ट्यूब व्हिच इज हाईली कॉइल्ड, कॉइल्ड 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 मुड़ी हुई है। Tubes from various nephron curves into collecting duct which finally goes to the urethra. जो क्या है, जो भी सारी cleaning हो रही है वो nephron के Bowman capsule के अंदर हो रही है। Bowman capsule further किसके साथ connected है, एक तो veins के साथ connected है, दूसरा urethra के साथ connected है। ब्लड क्लीन होने के बाद वापस कहां पे चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होंगे वो कहां चले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये हमारी थी किडनी की स्ट्रक्चर और ये हमारा सारा किडनी का फंक्शन था। बहुत इजी है, इसके अंदर आपको देखो एक बार दोबारा बता देते हैं कि वर्किंग जो है वो कैसे हो रही है। ये देखो अगर ये पूरा का पूरा अगर हम बोमेन कैप्सूल को खोल के देखें तो वो इस टाइप का है। देखो क्या है, ध्यान से देखो, डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्टेज, यहां से गया ब्लड जो कि किडनी के अंदर, हमने अभी ये वाली स्ट्रक्चर देखी है ना, ये अंदर वाली, इसको एक्सप्लेनेशन करके बता रहे थे। और ये जो मैं आपसे डायग्राम दिखा रही हूँ ये आपको एस चांद या लखबीर सिंह के नाम से बुक है,
तो लखबीर सिंह एस चंद की बुक में आप देखना, मैंने वही सारा थ्योरेटिकल पोर्शन लिया है और वहीं से ही डायग्राम्स लिए हैं, क्योंकि सीबीएसई के लिए मोस्टली जो भी एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं, मीन्स एचबीएससी के हैं या फिर सीबीएसई के हैं, तो एनसीईआरटी के साथ साथ वो वाली बुक भी फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने ये वाली बुक से डायग्राम लिया। तो देखो क्या है, डर्टी ब्लड कहाँ पे गया, ग्लोमुलस के अंदर गया। ग्लोमुलस के अंदर क्या है, बोमेन कैप्सूल है। अब ये ब्लड कहाँ जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, ये ट्यूबलेट स्ट्रक्चर। अभी हमने कहा कि ऐसे क्या है, ट्यूब्स कोयल ट्यूब्स है, तो ट्यूब्स कोयल किसके अंदर है, बोमेन कैप्सूल के अंदर है। अब ये कहां पे जा रहा है, इसके अंदर ये सारा डर्टी ब्लड गया, इसके अंदर ये सारा डर्टी ब्लड गया, ये ट्यूब्स हैं, फिल्ट्रेट कंटेनिंग ग्लूकोज अमाइनो एसिड सोल्ट्स वाटर एंड यूरिया। ठीक है, ये फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, फिल्ट्रेट जो बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। ये ब्लड कैपिलरीज है, ये देखो ये इस टाइप की कॉइल स्ट्रक्चर है, ये ऐसे क्या हो रहा है, यहां से जो है वो ब्लड क्लीन होता जा रहा है, मीन इनके अंदर जो फिल्ट्रेट है इनके अंदर का ही ऐसा पार्ट है जहां से ब्लड अपने आप जो है वो क्लीन होता जाएगा, जो भी वेस्टेज है वो कहां से चले जाएंगे, ट्यूबलेस से कहां पे चले जाएंगे, यहाँ पे, और जो क्लीन ब्लड है वो कहां चला जाएगा, यहाँ। मीन इस पूरे के पूरे बोमेन कैप्सूल के अंदर एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर फिल्टरिंग फिल्ट्रेशन है, जहां से ब्लड का पूरा क्लीन हो रहा है, क्लीन ब्लड यहां से कहां चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स जो है वो यहां से आ जाएंगे, जो कि यूरिन है, बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि डर्टी ब्लड किडनी में आ रहा है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स में ब्लड क्लीन हो रहा है, क्लीन ब्लड वापिस बॉडी में जा रहा है, और जो डर्टी ब्लड है, सॉरी जो डर्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी यूरिन की फॉर्म में है, वो कहां पे आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ रहा है। बहुत इजी है, बस चीज इतनी याद रखनी है कि किडनी के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है, नेफ्रॉन जो है वो बोमेन कैप्सूल और ट्यूबल्स के बने हैं, ट्यूबलेस उसके अंदर ट्यूब्स है बहुत सारी कॉइल की फॉर्म में है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ब्लड जो है वो क्लीन हो रहा है। तो ये था हमारा एक्सक्रेशन सिस्टम, इसके अंदर भी आपको वही बता रहा है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले इसके अंदर फिल्ट्रेटिंग होती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट ग्लूकोज वाटर अमोनिया एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेन कैप्सूल। सबसे पहले जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन है वो क्या करता है, जो भी हमारा ब्लड है डर्टी ब्लड है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट ग्लूकोज वाटर अमोनिया एसिड इन सबको फिल्टर करके, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ब्लड है जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है वो सब कुछ वेस्टेज ही होगा, अगर उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, अगर उसके अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और सम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, वो हमारे ब्लड को जरूरत है, वो वापस ब्लड के अंदर ही जाएगा, जो वेस्टेज है वेस्ट वाटर है जो बॉडी को यूज नहीं करना है वो यहां से फिल्टर होके कहां पे चला जाएगा, बोमेन कैप्सूल के अंदर चला गया। उसके बाद ट्यूबलर रीअब्सॉर्प्शन करेंगे, नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब, उसमें से भी कुछ अगर हमारी बॉडी के अंदर यूजफुल सब्सटेंस है तो वो वापस से ब्लड अब्सॉर्ब कर लेगा, और जो यूजलेस सब्सटेंसेस हैं वो वापस कहां चले जाएंगे, वो उसके अंदर ही रहेंगे, नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट में, जहां से यूट्रस के पास, यूरिनरी ब्लैडर के पास जाना। फिर देखो सेक्रेशन होगा, एक्स्ट्रा वाटर सोल्ट एंड सेक्रेटेड इन द ट्यूबल्स, जो बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के अंदर रीअब्सॉर्प्शन हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई, जो वेस्टेज है वो कहां पे चला जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा ट्यूबल्स के अंदर, विच ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेथ्रा, जो कि कहां चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। तो ये सब एक ही बात है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको मैंने बताया कि किडनी क्या होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन क्या होता है, अब नेफ्रॉन पढ़ने के बाद की बॉडी के अंदर यूरिन कैसे बनता है, तो ये थ्री पार्ट्स हैं जिसमें बता रखा है कि यूरिन जो है वो ऐसे बनता है। ये हमारा पूरा का पूरा था एक्सक्रिएशन। उसके बाद देखो, अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, सपोज किडनी काम नहीं कर रही है, तो क्या क्या प्रोसेसेस होती है, सबसे फर्स्ट तो होता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मीन्स किडनी एक्सचेंज हो जाती है, किडनी किसी भी फैमिली मेंबर से सेम ब्लड ग्रुप वाले से किडनी लेके, क्योंकि टू किडनीज में से एक किडनी भी अगर प्रॉपर वर्क कर रही है तो बॉडी प्रॉपर वर्क करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो अगर किडनी फेल हो जाती, किडनी फेलियर की केस में क्या करती है, ट्रांसप्लांटेशन करती है। किडनी फेलियर में ट्रांसप्लांटेशन फैमिली मेंबर्स के थ्रू ही होती है। फैमिली मेंबर्स में से कैसा हो, कैसे होता है कि अगर किसी के फैमिली मेंबर की दोनों किडनियां ठीक हैं तो एक किडनी सामने वाले पेशेंट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इससे दोनों के दोनों ही क्या रह सकते हैं, प्रॉपर रह सकते हैं। कुछ एक प्रिकॉशंस होते हैं उसके साथ, बट जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ट्रांसप्लांटेशन होती है। देखो हेमोडायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। अब ट्रांसप्लांटेशन, एक तो हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसप्लांटेशन, बट कुछ ऐसा भी होता है कई बार किडनी का किडनी मैच नहीं होती, कई बार ब्लड मैच नहीं होता, या बॉडी के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब हेमोडायलिसिस करती हैं। द प्रोसेस ऑफ प्योरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। डायलिसिस सुना होगा कि डायलिसिस होती है, क्या करती है, आर्टिफिशियली करते हैं, आर्टिफिशियली किडनी से बॉडी के ब्लड को क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, ये डायलाइजर है, जो हमारी प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रही है सेम टू सेम डायलाइजर होता है, डायलिसिस होती है। कैसे करते हैं, जो भी वेन्स है और आर्टरीज है उसको मशीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। डर्टी ब्लड कहाँ जा रहा है, देखो जो डर्टी ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, डायलाइजर के अंदर जा रहा है। जो प्रोसेस हमारी किडनी कर रही थी डर्टी ब्लड को क्लीन कर रही थी, वो डर्टी ब्लड अब डायलाइजर के अंदर पूरी की पूरी प्रोसेसिंग होगी। वैसा का वैसा आर्टिफिशियली बना रखा है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर नेफ्रोन है, बोमेन कैप्सूल है, वैसा बाहर बनाया हुआ है सेम टू सेम, जो कि डायलिसिस प्रोसेस होती है। यहाँ से डर्टी ब्लड लेती है इस मशीन के अंदर जो कि डायलाइजर है, डायलिसिस होती है, ब्लड क्लीन होता है, क्लीन ब्लड वापिस कहाँ चला जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। इस केस में वाटर कम पीना पड़ता है ताकि यूरिन नहीं बने, क्योंकि किडनी तो काम नहीं कर रही है और डायलिसिस जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियली यूज करते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। बस आपको इतना ही करना है, कौन सी प्रोसेस होती है, डायलिसिस होती है, मशीन क्या होती है, डायलाइजर होती है। होता कैसे है, जो डर्टी ब्लड है उसको कनेक्ट करते हैं डायलाइजर से और उसके अंदर क्लीन हो जाता है, और जो हमारा क्लीन ब्लड है वो कहाँ पे चला जाता है, वापस बॉडी में चला जाता है। एंड अब देखो हमारे पास क्या है, जो ये तो था कि फेलियर में और था कि ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। हमें इसको स्टोर यूरिन का ही बता रखा है पार्ट की यूरिन को क्या कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, उसको बॉडी से रिमूव आउट करना पड़ता है। इसलिए जो भी डायलिसिस प्रोसेस होती है इसमें पेशेंट को वाटर पीने से मना कर देते हैं कि कम से कम पानी पियो, कम से कम सॉलिड लो, लिक्विड के लिए तो बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि डायलाइजर जो होती है वो वीक में 2 times प्रोसेस होती है। इसलिए क्या करते हैं, जो इसके अंदर है वाटर कम से कम पीने के लिए बोलते हैं, और यूरिन को कभी भी स्टॉप करके नहीं रखना चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाते हैं, तो इसको स्टोर करके बॉडी में रोक के नहीं रखना चाहिए। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। तो ये हमारा था पूरा का पूरा एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन किसके थ्रू होता है, एक्सक्रिएशन किडनी के थ्रू होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, बोमेन कैप्सूल्स होते हैं। होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमने कोई नेक्स्ट टॉपिक नहीं करना, हमें लाइव प्रोसेस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं और रिविजन करने हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you. Bye-bye. Take care.